सुबह सुबह का ये ठंडा मौसम और ये जोशीना अलग मजा है। वो भी छुट्टी वाले दिन। व्हाट्स अप माय लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आरपी जे एंड आई होप यू आर फाइन। आज है 3rd November 2021 और अभी जस्ट रेडी हो गया। आई विल गो टू द जिम, उसके बाद आके कुछ काम करना है। आई विल शो यू व्हाट इज द वर्क। सो दिस इज माय फर्स्ट मील ऑफ द डे, प्री वर्कआउट मील, शकरकंदी। आज इसका दिन आ गया खाने का। हर सुबह हर शाम फोन से चिपके रहेंगे ये देखो। यार एक बात बता यार, मैं मुझे फोन अच्छा लगता है तो बस मेरे पे इल्जाम है कि मैं फोन से चिपकी रहती हूँ सुबह या शाम। उधर वालों को भी नहीं सोने देती। वोटी है अभी ये पिन के हाथ में भी तो फोन होता है, किसने बोला है ना। तो फिर जब मेरे हाथ में फोन है, फोन इज टू मी इज लाइक कैमरा इज टू यू। सो अजीज आई एम बैक फ्रॉम द जिम और अभी मैं कर रहा हूँ अपना नाश्ता। हाँ जी, बहुत लेट हो गया, 12:35 हो गया। मैं आ गया था टाइम से, बट कुछ कुछ सामान लेने में टाइम लग गया बाहर, फिर उसके बाद आ करके बनाने में टाइम लग गया। सो अभी आई एम हैविंग कबाब सैंडविच, अंडे मैं खा चुका हूँ 5। सो इसके बाद हम करेंगे अपने काम को शुरू, जो कि है आज मैंने आपको बताया था कि काम हम शुरू करने जा रहे हैं वो है ड्रेस। हमें एक ड्रेस बनानी है जो कि बनेगी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से, यानी कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको यूज़ करके एक बच्चे के लिए फैंसी ड्रेस बनानी है। सो आई शो यू कि हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं और कैसे बना रहे हैं। सैंडविच हो रहा है रेडी, ये बटर वाला साक्षी का, ये सिंपल वाला मेरा। सो एज आई टोल्ड यू वी आर मेकिंग समथिंग टुडे। सो दिस इज द वेस्ट मटेरियल वी हैव। अभी और भी बहुत सारा वेस्ट निकलेगा और इसमें लगेगा। देखो अक्सर हम तो वेस्ट फेंक देते हैं, पहले मैं ये सब नहीं फेंकता था क्योंकि मुझे पता है वो सारी चीज़ें मैं यूज़ करूँगा, बट अभी तो इतना होता नहीं है। सो फेंक देते हैं। सो ये पेपर, न्यूज़पेपर पैकेट्स जो आते हैं पेपर वाले, वो कार्डबोर्ड, इन सब का यूज़ करके हम कुछ ना कुछ बहुत कुछ बनाया करते थे, है ना। सो अभी ये रेडी हो रही है बच्चे की ड्रेस, फिर आपको दिखाएंगे कि क्या क्या इसमें करने वाले हैं। तो वो काम तो चल ही रहा है, साथ साथ यहाँ खाना भी बन रहा है और मैं बना रहा हूँ तहरी अपनी बीवी के लिए। क्योंकि मेरी छुट्टियाँ हैं तो मैं किचन में देखूँगा आपको ज़्यादातर। बीवी पढ़ रही है, नॉवल पढ़ रही है, डरा दिया क्यों? ऐसे कौन खड़ा होता साइड में? मैं दिखा रहा हूँ, तू क्या पढ़ रही है? निकोलस स्पार्क्स। क्या है ये? रेस्क्यू नॉवल है, रोमांटिक है। पढ़ तो मैं बना रहा था और बनाते बनाते ऑलमोस्ट प्याज जल ही गई थी, पर उतनी नहीं जली कि सब कुछ खराब हो जाए। सो आप देख सकते हैं कलर उस हिसाब से हो गया अभी। एनीवेज इसमें डालते हैं आलू। सो मैंने जो दूसरा पीनट बटर ऑर्डर किया था वो आ चुका है, माय फिटनेस का पीनट बटर हनी, क्रंची हनी। सो अब मैं इसको टेस्ट करूंगा शाम के, क्या बता रहे भाई, 5:55 हो रहे तो चाय का टाइम हो गया। बीवी चाय पीनी है, पिला दे फिर। चल मैं अपना लूंगा चाय और ये खाएंगे हम। दिस इज दी अपडेट, धीरे थोड़ा थोड़ा हमने जो बनाया वो हमको दिखा रहे हैं। एक बारी उठा के दिखाइए, ये बनी है बच्चे की नीचे की स्कर्ट, मतलब स्कर्ट तो नीचे की होती है ऑब्वियस। सो दिस इज द स्कर्ट, इस तरीके से फोल्ड करिए करी, जैसे फोल्ड हो जाएगी। तो मैंने कहा था ना क्या? कि ये चिपकाएगी साथ में, तो ये। सो दिस इज द न्यू पीनट बटर क्रंची फार्म फ्रेश हनी, लेट्स ओपन इट एंड टेस्ट इट। सही है, इतना मीठा नहीं है ना, इतना कुछ खास हनी का टेस्ट है, नेचुरली लग रहा है मेरे पे। वी आर द ट्रू व्लॉगर्स। तो अभी इस लड़की ने कुछ किया, अभी नहीं बहुत देर पहले किया, तो क्या किया बताएगी? नहीं। मैं बताऊं? नहीं। शक्ल बना रही है ना, पता चल रहा है आप लोग क्यों? क्योंकि ये यहाँ से उतरते उतरते गिर गई। और कैसे उतर रही थी? जैसे मैं हमेशा उतरता। नहीं, पूरा खड़े होके बिस्तर पे बैठ के उतरते हैं, ये खड़े होके उतरते हैं बिल्कुल हीरोइन की तरह। सामान लगा था ना इसलिए। रे अच्छा ठीक है ना, चल
अब ये तो मैं बोल रहा हूँ, इसके बाद कौन कौन बोलेगा वो तू देख लियो। तो मैं क्यों डालना है ये, मैं बताने देती अगर किसी को बताना होता तो। मैं तो बताऊंगा, लेकिन क्यों बताओगे? जरूरी है जब कुछ बड़ा हो तब बताएं, पता चलना चाहिए। ऐसी हरकतें नहीं करते तो आप के थ्रू क्यों बताओगे? पलंग पे के थ्रू क्यों बताओगे? फिर कैसे बताओ? बता लो सबको, फोन कर दे। क्यों बताऊं मैं? तू करेगी फोन? नहीं। तो ऐसे पता चलेगा ना सबको, कि सिखाने के लिए और जितनी भी लेडीज है उनको बताने की पलंग पे खड़े होके नीचे नहीं कूदी मारते। वो तो जैसे तू गिरी तो वो कूद ही गई एक तरीके से, एक हिस्सा तुड़वा लिया अपने बम का, घुटने पे लगा ली हल्की सी, और कहाँ लगी? क्या बताएगी तू मेरे को? मेरा एक लेफ्ट साइड टूटा है ना, और राइट साइड तोड़ा मेरा टूटा हुआ राइट साइड। इस बुक में कुछ और तो नहीं है पॉटी के चक्कर में? देखो देखो इसकी चाल चाल देखो, ये यहाँ लगी यहाँ। भाई साहब देखो ठीक है, मतलब ठीक ही है। जिस तरीके से ये गिरी थी ना, भयंकर था, मतलब आप लोग भी देखते थोड़ी देर के लिए डर जाते, और बस आते मैंने उसको उठाया, उसके बाद अच्छा खासा दर्द हो रहा है अभी इसके बम में जिस तरीके से गिरी है। चढ़ के थोड़ी ना कोई उतरता है बिस्तर से, आराम से बैठो फिर उतरो। चलो खुदा ने बड़े हादसे से बचाया, एंड शी इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, नो नीड टू वरी। आप लोग भी ज़्यादा मत चिंता करना, ठीक है? हम अपने काम को करते कंटिन्यू। देखो भाई लोगों, बात ऐसी है कि आज छोटी दिवाली है, ठीक है, और इस हफ्ते रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है हमारा फिक्स। तो रात की मेरी रोज की चीट डाइट रहेगी रोज की रात की चीट मिल रही। तो अभी मैं कह रहा हूँ खा रहा हूँ चिकन सलामी सैंडविच, और साथ में बन रहे हैं कॉर्न डॉग्स बड़े दिनों के बाद। तो हम खाएंगे, एंजॉय करेंगे, और मूवी शूवी देख ले कुछ, ओके ठीक है। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करना चाहता हूँ। आपने वो किस्सा तो देख लिया अभी जो हमने किया कंडक्टर भाई साहब के साथ, इसको टिकट पे लिख के नंबर भेज देता तो बाज नहीं आएगी गिरने पड़ने से, है ना? नहीं नहीं, क्या करा है तूने आज? पता नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा, मुर्गी बना दी तूने? कौन कैसे बोलते हैं? ने क्या बनाया इसने कॉर्न डॉग के मामले? ओके गाइस, तो इसी के साथ हम करते हैं आज के ब्लॉग को एंड मिले कल दोबारा से नए ब्लॉग में बताओ के साथ। हैप्पी दिवाली टू यू इन एडवांस, मतलब आप जब ये ब्लॉग दे रहे हो तो उस दिन तो दिवाली है, खुशियां मनाओ, जश्न मनाओ, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड योर लव, बाय बाय।